हे महाराज, तेरी शक्ति तो परम्पार है, इस तेरे चेले ने भी ले ले अपनी शरण में। फिल्म ही बनानी है, अकरुका पड़ जा। फिल्म तो जद बनाएगी जद कोई हीरो में लगा। कैमरा रोल एक्शन, खस दे काम। मैडम आप हीरो देखो रागत इटले ने कट। बाबू अपन 20-25 किलो तो काट दियो आराम से। अरे कितने कटवापन की मतलब, मंत्री रो का रोल बढ़िया लगे। अगर भाई तो तूड़ी भी जानदी और मना बाहर जाना पड़ गया। अरे मारा डायरेक्टर ने सोचा कि गेहूं गेहूं काटने हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे को। हाँ कतिये भेद कौन लग गया? न्यू तो बेरा लग गया, सरपंच के रिश्तेदार थे, पर न्यू ना बेरा पट्टा कौन थे? लग जाएगा आज नहीं तड़के, ये तो लग गया सर है। लुकन दे, कई दिन लुकेंगे। क्या हो गया? खाद मच्चे सारे ना है। कई दिन हो गए ईव तो ना आया था माउस वाले दिन। फिर अगली माउस ने ना होगा, अगर मूर्त कटवाना पड़ेगा। ससुरा फंडा फंडा के लिखा हुआ है, नाना भी होया करे। ने हाँ ना, जो भी किसा नाना होया जिसका आगे नेर पीछे ना, बस पीछ माँ है। और बाबू भी रनी सांपी इतनी दाब क्यों रखे है मान खतर। हाँ फायदा तो सही, 10 कड़ा है, मैं तो 2 बच के तो ही बेच दूंगा। ठीक से लेवड़ा के करांगे बात, कौन सुन दी? अरे डीजे बाज है बाबू, अपने गांव में 5 डीजे हो रहे हैं, एक अपने भी ले ले। अरे तेरी पढ़ाई छुटवा दियूं? ना पढ़ूंगा। फिर तो पढ़ लिया तू, सब बदन जीना आराम रखेगा। ओह बाबू, दिन में कौन बजाऊं? और रात न बजाया करूंगा जब सारे सो लिया करेंगे। सुल्तानपुर जाऊं मैं इसलिए आऊं, इतने पढ़दा पाइए ना तेरी सब बजाऊंगा लठा गल। तने कई दिन हो गए हैं बाबू, अपने मैस रही रे रसस्ती थे आवाज और लेंदे बेच देंगे। और वो तेरी माँ ने बता दिए? कड़ा गया के का था। बैठ। मरा कीटनी पीने लग रहा दर्देश ने। एक काम करेगा? बोल ले, उस कमीने की छाती में काटनी है। मरवाओगा के गाम की गाम में मारस मारा जाया करे। मेरा बड़े मार दियो सुना है गाम की गाम में। किसे करना पड़ेगा तुम्हारे आएंगे, और तुमन ने कहा लाग रहा तू मार देने। कल पंचायत हुई थी रे, ये तो सीधा सक मेरे पास आगा। और मैं तो नूबी निगाम चढ़ रहा हूँ। तो फिर निगाम मन्ना भी कौन चढ़ना? इसी गर्मी में भी ज्यादा लग है। अगर कम रोड ना किसी छाने ने बताया है, और उस वकील की कह रही दादा ने भेजा था। उस वकील ने तो कम बड़ा रखा है, जड्डा ही नहीं उतर के दे रहा। रमा कालू ने बताया कि तो आया था सुल्तानपुर मैच लेने जाऊं हूं, बताई कोई नहीं उसने। मैं आया तो इतना हलवा चढ़ा, अरे सुल्तानपुर जाओ है कि हाँ रोक रोक फिर तो चल। इसका हलवा में लाल मिर्च गिर दिया कुकर है। दादा दौर चाल, दादा नू कहा करे यो कमीने जबान का पक्का है। गोबर में ढड़ा मार और छिट्टम छिटो बोट पड़ जाए। हाँ अगले महीने इतने इस गंध तो दूर रहो, इस गंध का एक भी छिट्टा लग गया नहीं, कितने रगड़े मार लियो उतरे नहींगा। और अपना पक्ष में जो वाबन रही है मिनटा मवा हो जाएगी। दादा तू ये तो कितने का आकर अगर जबान का पक्का सा। रजबान का तो पक्का है, फिर टीम भी तो देखे।
इलेक्शन सिर पर है, मड़ी सी भूख चुक होगी तो इशाला ठा जाएगा, ठाया जा ना धरया जा। दादा तन तो मोल ले लाना सर, इसमें उग चुका बता कौन सी बात सर, बात बनी तो ठीक है ना, वो अपना रहा और आप ही अपना रहा। चलो ले उस कमीन वाली ये बात है, नाश तो ले लिया। अरे तेरे क्या हो गया, गर्मी कौन लाग दी गे? गर्मी ज्यादा नहीं तो रे सांझ का, दादा तू सही कह था, खरड़ी मोड़ पड़े सेठ से नू कह राजेंद्र खरकिया का एक्सीडेंट भी उड़े आया था। तने सारे वाले सेठ दिखे से खरड़ी मोड़ हो अर्चे मारे तुड़ी वाला। दादा जस दिखो नहीं, मैं तमा खाट पलास देख क्या रहा हूँ। चलो पांच सात मानस है ना इकट्ठा कर ले और दो तीन दारू की बोतल लिया, उसका काम पक्का बनना। चाचा चाचा आ गया, तू नुकर पानी लिया और उन वेवड़ा था बतेरी दारू पी ली। अरे चल घर ना जाके चर लिए, इसी के ना भूखी मरे छे। अरे लिल्लू चल लेने देन भाई, भूख सब न लग गया है और ऊपर दे बेजुबान पशु। तो इतना प्रेमी कत हो गया सारा बोटा चक्कर से। अरे के सोचन लग गया भाई लिल्लू कि मैं दरा मामी ने भी कर लेने दे, ले पानी पिया भाई ना। ले पानी तो पिया दे भाई। अरे पानी पी ले है फिर या बेस्ती और पानी पियाइए, इतने आसानी चढ़ ले है देख या कोटी जमा हजार ही है। अच्छा या मैं हस्तो ले आगे? हाँ बेचेगा के दूगा? बेच देंगे भाई सही रुपये लग गए तो। बता फिर कितने लेगा? ना भाई थम को कर लोगे, गाम में बढ़ दी सैनी मन खुआ रखी है। बता भाई लिल्लू पानी तो पिया हूं मैं, अरे वैसे ले हो। सही कह है, बोट लेने के चक्कर में रुपये फालतू ही ला हुआ, कम तो लाने तेरा लिल्लू क्रिय सोचा है वो तो आ चक्कर में मैं ही लेगा, त्रिक कर नीचे की माटी तो मैं काट दूंगा। अरे दोनों के सोचना पड़ गए, बताओ फिर कि मोल बा हम भी जावा फिर मिठा मुँह करके। अरे मैं क्या बताऊँ, मोल तो लिल्लू ही बताऊगा। हाँ भाई लिल्लू 50 में दे दूंगा भाई। तू बोल भाई मरीडा। 45 5000 बचे हैं, चल मढ़ा और देख लिया ऊपर चढ़े था। अरे बोल लिल्लू। ना भाई कम है। कम तो एक काम कर लो, भगत जी पे लगवा लिया मोल। भगत जी? हाँ भगत जी, उसने दोनों बराबर है। बोलो भाई मंजूर हो तो। बराबर खड़ा वो तो सड़ाई नहीं की मेर लेगा, चलो फिर भी 5000 तो बचे। बोल भाई मरीडा। मना तो मंजूर है, थामी नका दीजो, एक बार लिल्लू भाई तो और पूछ लियो। बुला लियो ले। फिर दे जोड़ा हाथ में, तू जरा दादा ने बुला लिया। अरे फोटो खींच रहा है। चाचा कैमरा का देखो, कैमरा का नहीं मरीडा पेड़े लिया भाई फटाफट। 1 किलो 1 किलो पेड़े 500 के आऊंगे, आधे पीछे लिल्लू भाई भी दुआओ, इसने भी तो वैसे बच्ची है। पेड़े लेने पड़ेगे तन्ने ही, अगला ना जबान पर मैच दे रहा किसे। ले भाई ले आओ। बताओ भाई रे कौन सी भैंस है? दादा जम्मा रेल का बाड़ा बता दे या जोटी से। अरे तम सुन लो भाई, जबान हो ली है 10 मानसा में, मुकरण नहीं देंगे, कदे मारी किलो बर्फी पानी फेर दे। ठीक से बोली लू? ठीक से। दादा बता कितना किसा मैस? मैस कड़े है काटड़ी है तो। दादा काटड़ी को नहीं, यो सो काटड़ा 10 आदमी हम जवान हो ली, ये मोल ला तू। लीलू ने मांगे है 50000 और मन लाए है 45। अरे तू और बता दे। ले रुपये दे।
ले 20,000। दादा साहब इन्ने की आग की भी सर ले 1,000 और ठीक से। ले बा लिल्लू राम का नाम ले और गाल ले गोज में। हमें जाऊं भाई मारा काम हो लिया। पेड़े रे अरे हम आप खा लेंगे रुपये तो आए लिए। दादा लिल्लू को छोड़ तो करवा दे। लिल्लू ने सारे छोड़ दिए। क्यों लिल्लू पानी पिया रे वाली लिल्लू ने प्या दिया रे इवके लिल्लू 29 लाग गए। ये देखा लिल्लू बस तो अपना ठाण बजा ली। जा खा ले हलवा सीढ़ा होंदा होगा। बाबू महेश किथे है? महेश गई पानी में। फिर काट लेऊं? पड़ा कितना गा जब पानी में जाली। हाँ? बाबू फिर तने किम करा नहीं? क्या करता? उल्टे लग रहे कि मैं समझ मान दो तो पहले तो मोरी आत्मा दली ली कमीने के बीच जाने फिर बाबू चल कर ले मानस कट्ठे इकट्ठे उड़े मानस तो सीध गए मानस तो कट्ठे ही बुआ करेगा। वो बैरुपिया की पेटी कार्ड हमारा राजेंद्र कुमार का गधा लियो। गधा गधा लसन प्याज चोखे के लिए सही चटपटा बनाना है। फिर कितना का बनाना है मसाला? 1 किलो मुर्गा ले आऊंगा देख ले। ठीक से है। क्या दस है लिल्लू और का के रोटी बनी होंगी आज? रोटी तो जिद बनिया कर जद भूख लग उन्ना तो हफ्ता लग पानी भी को भावना। चल भीतरली साकल बंद कर ले कदे पड़ोसियां खुशबू आ जाए। ये हो बाबा काला मुंह आएगी। बाबा बोल बाबा। बाबा ने कैलाश पर्वत जाना है। फिर बाबा अड़ता तो बस ना मिला। कैलाश पर्वत पर जाना है तू साम वाला पहाड़ पर नहीं बस को नहीं मिला। रे बाबा मतलब दूर का जाना है रात भर विश्राम करना है। चिंता ना करे बच्चा फरी मत बाबा किसी का पानी भी कौन भी वे थमने किमें मोल चीज दे के जाओगा। गसंडी इसका ललाट देख। रमाथा माथा सोना चांदी माया के भंडार कितना रुपया तो कुबेर के घर ने भी कौन पावा है। कितना उज्जवल भविष्य है बढ़ना भाई बहुत भला है सरपंच रहेगा 15 साल और। दो बार मर के बच लिया कोई काम का ऐसे दरिया है काम का। चाचा लिल्लू का जिक्र कर रहा है। बाबा
मेरे कानी भी देख लियो। सट्टा लावा है। हाँ हाँ हाँ। लिकड़ दा कोनी। चढ़का 22 पला दिए जा। बाबा, बाबा तेरी शरण में ले ले। अरे को चिंता तने भीतरे भीतर खागी। मड़ा और इंतजार कर। लाल सुंदरी आली जरूर आऊगी। एक नहीं, दो आऊंगी। बहुत बागाड़ी आऊंगी बेचारी। खूब सेवा करेंगी। बाबा, नू तो बता दे कद सी आऊंगी। बस उल्टी गिनती शुरू कर दे। बाबा, उल्टे तो शुरू के लाग रहे हैं। फिर उल्टी शुरू कर दे। राइस का मतलब ब्याह की तैयारी कर ले। चलो बाबा भीतर। अरे गोदा मेरे तो पकड़ा दो। गदा नहीं मूर्ख। दीवान बोल दीवान। तिलिश्मी गदा है यो। भविष्य बताया करे। तिलिश्मी गदा है यो। भविष्य बताया करे। बाबा थाम भीतर चलो, आराम कर लियो। दीवान सिंह तो मेरे तो दे दियो कि मैं खा लेगा बेचारा। कई देर होगी ना खड़े ने। सदा खुश रहो। बाबू मेरे तो नाचने जीक रहे। देसी बालक गम जम रहा होगा सुसरो। इतना कौन टिका जा। बाबा इसी के अनबोल चीज देगा भाई। पुछड़ा बाबा है कि मैं तो देगा और कि मैं करांगे जद्दी तो देगा। दुकान पर 2 किलो सूजी लिया और मैं घर तक ही ले आऊं। बाबा नलवा खवावांगे। पूजा पाठ भी कर ले। बाबू पूजा पाठ जल्दी निपटा दे। एक तो भूख लग रही है, ऊपर तो गाड़ा टेक दिया। ले ले बोल के। ओम शांति। चाचा किम्मे कहो, बाबा की डाइट तो पूरी है। पूरी 2 किलो सूजी थी। केवरा कितने के दिन में तप्पा तो उठा होगा बेचारे। कदे कदे खाओ। शुक्र सह कदे कदे खाओ। मैं क्यों हो गया बच्चा, किसा कंपार्टमेंट आयो बालक जू नड़ गिर रहे हो। किमें नहीं बाबा, नू पूछा दे हलवा और लिया के। ना बच्चा ना, संसारिक वस्तुओं का भोग हम ना मात्र क्रिया करा। ना मात्र और सेवा बोलो बाबा। बस सो जाओ बच्चा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सुबह जो वरदान मांगना हो मांग लेना, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। हे भगवान है, तेरा घर में देर से अंधेर कोनी। अरे सो जा ना, के कौन कौन कर रहा है। चाचा 2 ब्याह की सुने पछन नींद तो कोनी आंदी। सो जा। ब्याह की खुशी भीतर लमजा लग गई। मर गया के। हाँ बाबू। और इसने तेरी माँ ने बना बताया यार। हाँ घर में टोप पड़ गई होगी। थोड़ा जा अजय रंग मारी उड़ी लिए तो ठाण में गिरा। थोड़ा कर कभी उठ ले। चाचा चाचा कदे वो मुड्डा जा लिया हो। चल बाबू आ लिए हो जाए शुरू। हे महाराज, आज तो एक विकट समस्या होगी। क्या हुआ गसंडीनाथ? बाबा आज तो शुक्रवार है और दीवान सिंह ने सोने की लीद करी होगी। सोने की लीद? और गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार दीवान सिंह जहां भी सोने की लीद करेगा वो लीद वहीं छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें समस्या वाली क्या बात है, छोड़ देंगे? वैसे भी इन बच्चों ने हमारी बहुत सेवा की है, इनको इनका फल तो मिलना ही था। बच्चे दिल के सच्चे लग रहे हैं।
जा देख क्या कदा कठाना। चाचा चाचा सच्चे में सोना की लीद करा की है? ध्यान तो देख क्या है ठाण जमा चसन लाग रहा है। इसका मतलब सच्ची तिलस्मी गदा है? मतलब यो गदा आई शुक्रवार ने सोना की लीद दे है। जो यो गदा भी नहीं मिल जाए तो सारा गांव न फूक देंगे। बाली मने यो गदा चाहिए। बाबा कौन दे? चल बाबा के पैरों पड़ जा और वक्त हमारी कैलाश पर्वत चलने की तैयारी करो। जो आ गया गुरुजी। गुरुजी। राम राम गुरुजी। राम राम बच्चा। उठो बच्चा। बाबा हमारी सेवा में किमी कमी तो नहीं रहेगी। किसने कहा बच्चा हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। फिर बाबा आपने एक वरदान देने की कही थी मांगू तो दे दोगे? जो दिल में है मांगो वत्स। बाबा हमें तिलस्मी गदा दे दो दीवान सिंह। कुछ और मांगो वत्स। ये हमारे पूजनीय गुरुजी की आखिरी निशानी है। नू नाम करो जी आपने वचन दे रखा है। हे गुरुदेव मुझे माफ करना मैंने बिना सोचे समझे ही वचन दे दिया पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे चलाए हुए रास्ते पे चलूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। जय गुरुवा की। हे गुरुदेव आपकी सदा जय हो। मुझे आज्ञा दो। क्या गुरुदेव सवामणि और एक काला पशु? ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। तुम बहुत खुश नसीब हो बच्चा गुरुदेव ने तुम्हारी बात मान ली। अगर भविष्य में कभी भी दीवान सिंह सोने की प्रसाद ना देवे तो गले में जो मंत्र बंधा हुआ है उसे 7 बार पढ़ना। अब जल्दी से सवामणि की तैयारी करो। के लेके आवा जी? सवामण घी और एक काला पशु। सवामण की तो कटा पाव था जी आजकल लोगों ने वैसे रखनी छोड़ दी। फिर तो आपको दीवान सिंह कैलाश पर्वत से ले जाना पड़ेगा। आप वहाँ शुक्रवार के बाद आना वहाँ पर सवामणी की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी और आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। नो भी ठीक है जी। चाचा ठीक क्या मैं से कैलाश पर्वत पर तो चीन का कब्जा से उड़े तो न कौन जाने देगा उन बेरा पार्टी का तो गदा न और खोस लेंगे। अरे जमान ले गदा न लियाने भी लागे क्या मैं लियाऊगा पाड़ा में तो कुकर तारेगा उसने असल में इतना सफर में गदा ही मर लेगा। अरे जहाज में ले जावांगे। जहाज में गदा न कौन चढ़ने देगा? तो फिर की करा इतना की तो 10 गांव भी इकट्ठा को नहीं हो। अरे काला पशु कितना ले आवा? लिल्लू वाली भैंस दे दे। अरे घी के रपिये दे दे। आप करता रखा स्वामी सोचा के सह 1 किलो को निडल लीद कर रखी है 20 लाख की बैठेगी जाके सारे पूरे हो जाएंगे। 7 दिन पाछ फिर शुक्रवार आओगा पापा नाड़े पर ही करे। बाबा फिर घी के रपी ले लो और स्वामी कर दियो हमारे नाम की कैलाश पर्वत पर हम तो दक्षिण आड़े दे देंगे जी। ठीक है बच्चा सदा खुश रहो। सुनी माड़े बंदे नैना कदे सीधता है तू बाकी सुने तेरे कांडे आला बाद सारे सैं। तेरा यार चाल टोप में या दुनिया से खौफ मैं दबता नहीं लोग तो दबाना चाह रहे सैं। सुने माड़े बंदे नैना कदे सीधता है तू बाकी सुने तेरे कांडे आला बाद सारे सैं। तेरा यार चाल टोप में या दुनिया से खौफ मैं आसे पासे गम आले वोट हमारे सैं। दे तू छोड़ चाहे छोड़ बदमाशी काम रे गुहांड मैं करानी को ना हंसी।